गांव का नाम था कोलापुर। वहाँ शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। वहाँ वो बहुत अच्छे से रह रहे थे। शारदा को मांस मच्छी बहुत पसंद थी। उसके बिना शारदा खाना ही नहीं खाती थी। इसीलिए अनामिका खाने में हर दिन अलग अलग तरह के वैरायटीज के खाने बनाया करती थी। कभी मांस, कभी मच्छी, कभी चाइनीज, तरह तरह के पकवान बनाती थी, तभी शारदा खाना खाती थी। अगर हर दिन मांसाहारी भोजन करना हो तो पैसे भी तो लगेंगे, इसलिए सास बहू नदी किनारे मछलियां पकड़ के बेचने लगी, ताकि उन पैसों से वो अच्छे भोजन का आनंद ले सके। एक दिन सास बहू जब नदी किनारे मछलियां पकड़ने जा रही थी तो कुछ ऐसी बातें करने लगी। सासू माँ, बारिश हो या सर्दी, हमें बहुत मछलियां मिल जाती है, पर गर्मियों में बहुत मुश्किल हो जाती है। अरे पागल लड़की, हम ना तालाब में मछली पकड़ रहे हैं, ना झील में, नदी में पकड़ रहे हैं मछलियाँ। यहाँ पानी कभी नहीं सूखती। हाँ सासू माँ, मैं ना बिल्कुल पागल हूँ। अच्छा अच्छा, अब बातचीत बंद करो और नदी में जाल फेंको। उसके बाद अनामिका अपनी पूरी ताकत लगा के नदी में जाल फेंकती है। फिर कुछ देर के बाद वो बड़े आसानी से जाल को खींच के बाहर निकाल लेती है। ये देखकर शारदा बहुत आश्चर्य हो जाती है। क्या हुआ सासुमा, आज हम एक भी मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ पाए? तुमने जाल ठीक से नहीं फेंका होगा। मैं तो पूरी ताकत लगा के फेंकी थी। फिर एक भी मछली क्यों पकड़ में नहीं आई? मुझे क्या पता सासुमा, ये सारी मछलियाँ नदी से गई कहाँ? इस तरह निराश होके वो दोनों घर लौट जाते हैं। पूरे एक सप्ताह तक उनकी जाल में एक भी मछलियाँ नहीं फंसती। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। ये व्यापार हमें पैसा नहीं दे रहा है और बिना पैसे के हम अच्छा भोजन नहीं कर सकते हैं। ये एकमात्र ऐसा व्यापार था जिसके बदौलत हम मुफ्त में मांसाहारी खाना खा सकते थे। अरे बहुत जल्द बरसात आने वाला है, फिर बाढ़ के पानी से बह के महंगी मछलियाँ आएंगी, हिलसा वगैरह, जो कि बहुत महंगे हैं, उसे बेच के हम अच्छे पैसे कमाएंगे। आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है, लेकिन मुझे फिर भी संदेह है, अगर बरसात नहीं हुई और बाढ़ नहीं आया तो मछलियाँ नहीं पकड़ पाएंगे। तुम चिंता मत करो, बरसात आने वाला है, उससे पहले मैंने बांस की लकड़ियों से ये नई जाल बनाई है। हमें बस रात के वक्त नदी में जाके जगह जगह पे इसे छोड़ देना है, मछलियाँ खुद आके इसमें फंस जाएगी, सुबह जाके बस इनको ले आना है। ठीक है सासुमा, आपने जैसा कहा मैं वही करूँगी, देखते हैं फिर क्या होता है। इस तरह सास बहू मिलके छोटी छोटी बांस की जाले बनाने लगी, और जैसा सोचा था बरसात आने से पहले वो बना के सब तैयार कर लिए। बरसात आ गया, अनामिका और सासुमा दोनों नदी के लिए निकल पड़े। अनामिका धीरे धीरे नदी में उतरती है और जगह जगह पे वो जाल जाके रख के आती है। उस रात वो बहुत मछलियां पकड़े। फिर इस तरह पूरा हफ्ता चलता रहा बिना किसी रुकावट के। फिर एक रात, माँ मैं नदी जा रही हूँ जाल बदलने। रुको मैं भी आती हूँ। आप रहने दीजिए सासुमा, क्यों तकलीफ उठाएंगी? मौसम ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। फिर दोनों सास बहू नदी के लिए निकल पड़े। वहां पहुंच के अनामिका धीरे धीरे नई जाल रखने लगी, लेकिन उस दिन नदी की प्रवाह बहुत तेज थी, जाल एक के बाद एक बह गई। सासुमा आज मौसम ठीक नहीं है और जाल भी ठीक से नहीं रह रही है, बेहतर होगा आज हम घर चले जाते हैं। मछली पकड़ना छोड़ो और धीरे धीरे सारे जाल बाहर निकाल लो। ठीक है सासुमा। फिर अनामिका जाके सारे जाल बाहर निकालने लगी। वो बस बाहर निकलने ही वाली थी, पर नदी की तेज प्रवाह की वजह से अनामिका नदी में बह गई। ये देखकर शारदा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कोई है, मेरी बहू नदी में बह गई है, बचाओ उसे, कोई सुन रहा है, बचाओ। सासुमा तुम बचाइए मुझे। इस तरह अनामिका बचाने के लिए विनती करती है। तब तक एक चरवा उस रास्ते से जा रहा था, उसने अनामिका को देखा, तुरंत वो नदी में कूद गया और फिर अनामिका को वो किनारे तक ले आया। तट तक पहुंचने के बाद शारदा कहने लगती है,
ये मेरा ही पागलपन था कि मैंने तुम्हें मछलियों के लिए रोज कहा। जो मिल रहा था उसी से हमें संतुष्ट होना चाहिए था। ये मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें परेशान किया। अरे अरे सासू माँ, आप ऐसा ना कहिए। हम तो अपनी आजीविका के लिए कर रहे थे। किसे पता था कि अचानक से बाढ़ इतनी तेज हो जाएगी। आप इस तरह की बातें ना कहिए। ये सिर्फ तुम्हारा पागलपन है। क्या कोई मछली पकड़ने के लिए अंधेरे में आता है? अगर मुझे कुछ और मिनट की देरी हो जाती, तुम्हारी बहू बाढ़ में बह जाती। अपनी रोजी रोटी चलाना है तो आधी रात को इस तरह आना बिल्कुल सही नहीं है तुम दोनों के लिए। हमें माफ कर दीजिए, मुझे एक अच्छा सबक मिला है। जो कुछ हमारे पास है उसी से हम संतुष्ट रहेंगे और वही खाएंगे। फिर सास बहू अपना जाल समेटते हैं और घर की तरफ चले जाते हैं। अगले दिन सास बहू मछलियों की बात भूल जाते हैं और अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू करते हैं। सासू माँ के पास जो कुछ था उसी से अब वो संतुष्ट होना सीख ली। उसके बाद दोनों आनंद से अपने जीवन व्यतीत करने लगे। उसका नाम शारदा था। वो एक बहुत बड़ी हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहती थी। एक दिन वो अपनी बहू के पास जाकर कहने लगती है, अरे अनामिका, जब तुम्हारे ससुर जी जीवित थे तो कहते थे मुझे यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बड़े अच्छी अच्छी बातें करते थे। अब देखो दीवार पे तस्वीर बन गए। सासू माँ, कुछ लोग कहते हैं कि आपने ससुर जी की जान ले ली। तुमसे ये सब कौन कहता है, जरा उन्हें यहाँ ले आना। तो कुछ भी कहते हैं, जब ये सब हुआ था उनके पैरों में दर्द हो रहे थे, उन्होंने दबाने को कहा, मैंने दबाया, फिर उनके गले में दर्द होने लगा। मैंने पूछा गला भी दबा दूं क्या, तो उन्होंने हाँ कहा। जैसे ही दबाया वो बेहोश हो गए। जैसे ही मौका मिला सासू माँ ने जोर से गला दबा दिया होगा। बेचारे ससुर जी अपनी जान गवा बैठे। अनामिका सोचने लगी। जब सासू माँ के बात पर अनामिका ने जवाब नहीं दिया तो सासू माँ कहने लगती है, क्या बहुरानी, तुम मेरी बातें सुनकर कुछ कह नहीं रही हो, क्या तुम्हें भी कहीं दर्द हो रहा है? हाँ? अरे नहीं नहीं सासू माँ, मेरी इतनी अच्छी किस्मत का। अच्छा बताइए ना, आप क्या कह रही थी? अनामिका की बातें सुनकर सासू माँ जोर जोर से रोने लगी। फिर उन्हें देखकर अनामिका कहती है, सासू माँ क्या हुआ, आप इतने जोर जोर से क्यों रो रही है? अगर आप इस तरह से रोती रहेंगी तो लोग हमें देखकर सोचेंगे मैं आपको मार रही हूँ। अरे अनामिका, मैं ब्यूटीशियन का कोर्स सीख के एक अच्छी ब्यूटीशियन और हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहती हूँ, यही मेरी इच्छा है। नहीं तो मैं मर के तुम्हारी बेटी बन के पैदा लूंगी। आपने बहुत बड़ी बात कह दी सासू माँ, अगर आप बेटी बन के फिर से पैदा ली तो आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा हो जाएगा। तुम तारीफ कर रही हो या बुराई कर रही हो? आप जैसा सोचना सोच लीजिए। अच्छा चलिए मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी। हम पता लगाएंगे कि कहाँ इस तरह का कोर्स कराया जाता है। चलिए चलते हैं। इस तरह अनामिका कहती है। फिर वो ढूंढने लगते हैं इस तरह का ब्यूटीशियन का कोर्स कहाँ होता है, पर इस तरह का कोर्स कराने वाला कहीं उन्हें नहीं मिलता। वो ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं। फिर सासू माँ को एक नाई का दुकान दिखता है। अरे बहुरानी, देखो देखो विनय का दुकान, चलो हम उसे जाकर पूछते हैं, वो मुझे हेयर स्टाइल सिखा सकता है कि नहीं। उनकी बातों पर अनामिका तैयार हो जाती है। फिर दोनों उसके पास जाते हैं। उन्हें देखकर विनय कहता है, क्या हो गया, यहाँ सास बहू किस लिए, कुछ काम है क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं, मेरी सासू माँ को हेयर स्टाइल का कोर्स सीखना है आपसे, अगर जरूरत पड़े तो हम आपको पैसे भी देंगे। ये सुनकर वो एक सवाल तक नहीं करता उनसे। फिर पैसे दो, सिखा दूंगा मैं, वो कहता है। ये सुनकर सासू माँ बहुत खुश हो जाती है। फिर वो उसे पैसे देती है। ठीक है तो कल से सीखने के लिए आप आ सकती है, वो हाँ कह देती है। वो दिन खत्म हो जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह सासू माँ उसके दुकान पहुँचने से पहले ही पहुँच जाती है। फिर विनय आके वहाँ पहुँचता है। क्या आप तो मेरे से पहले आ गई, मैं सीखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, जल्दी से दुकान खोलो, अगर कोई आता है और दुकान बंद देखता है तो वो फिर वापस चला जाएगा। वो भी हाँ कहता है और जल्दी से दुकान खोलता है।
थोड़ी देर के बाद एक आदमी उसके दुकान पर आता है। विनय उसका हेयर स्टाइल करने लगता है। सासू माँ खड़े होकर ये सब देखती है। देखिए, आप समझ तो रही है ना? नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा। इसमें क्या है जो समझ में ना आए? मुझे एक मौका दो, अगला जो आएगा मैं उस पे करके दिखाती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप अभी सीख रही है, किसी पर आजमाइए मत। ठीक है, सासू माँ ने बोला ठीक है। दो दिन निकल गए। तीसरे दिन सासू माँ ने सोचा वो किसी पर हेयर स्टाइल करके दिखाएगी। देखो विनय, तुम कहते हो कि तुम मुझे सिखाओगे, पर मैं किसी के ऊपर करके सीखना चाहती हूँ। तुम बैठो, मैं काटूंगी। अरे माँ जी, आपको नमस्ते। आप किसी और पे प्रयोग कीजिए, अभी आप आधा ही सीखिए। आप इस तरह से किसी का बाल नहीं काट सकती। इस तरह विनय कहता है। उसकी बातें सुनकर सासू माँ को बहुत गुस्सा आने लगता है और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। लड़ झगड़ के सासू माँ घर चली जाती है। वो एक जगह बैठकर सोचने लगती है। तब तक अनामिका वहाँ पर आकर कहती है, सासू माँ आपका क्लास खत्म हो गया, आप इतनी जल्दी आ गई। बहुत देर तक सासू माँ मनी मन सोचती रही। मुझे खुद को साबित करना होगा, अपनी बहू पर हेयर स्टाइल करूंगी और उसके बालों को खूबसूरत बनाऊंगी। फिर उसे विनय के पास ले जाऊंगी, तब उसे पता चलेगा आखिर में मैं हूँ क्या। आज मेरा क्लास पहले ही खत्म हो गया बहू, मैंने आज बहुत अच्छा हेयर स्टाइल सीखा। इस तरह सासू माँ अनामिका को झूठ बोलती है। ऐसा क्या सासू माँ, कितना अच्छा है, फिर तो हम अपना व्यापार बहुत जल्द शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जरूर शुरू करेंगे, पर मैं अपना पहला हेयर स्टाइल तुम्हारे बालों पे करना चाहती हूँ। अनामिका सासू माँ की बातों पर विश्वास कर लेती है। ठीक है, फिर आप मेरा हेयर स्टाइल कीजिए, अनामिका कहती है। सासू माँ भी खुश होके उसके बातों पर तैयार हो जाती है। फिर सासू माँ अनामिका का बाल काटना शुरू करती है। वो हेयर स्टाइल करती रही और आखिर में वो उसे टकला बना दी। सासू माँ आपने ये क्या किया, आपने कहा था कि आप मेरे बालों को काटना चाहती है, पर आपने तो टकला बना दी, ये सही था क्या? अरे बहू रानी, मुझे माफ कर दो, कुछ करने का सोचा कुछ और हो गया। सासू माँ सच सच बताइए, आप विनय से यहाँ लड़ के आई है? अनामिका के दबाव पर आकर सासू माँ ने सारी बातें खुल के बताई जो जो हुआ था। ये सुनकर अनामिका को बहुत गुस्सा आता है। सासू माँ आप ऐसा करेंगी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं भी आपका सर टकला कर दूंगी। इस तरह गुस्से से अनामिका सासू माँ को दौड़ाने लगती है। सासू माँ भी अनामिका को ना ना कहकर वहाँ से भागने लगती है। जब वो दोनों भाग रहे थे, विनय अपने दुकान बंद करके घर लौट के आ रहा था। वो उन दोनों को भागते हुए देखता है, फिर वो अनामिका को रोकता है। अनामिका, तुम सासू माँ को क्यों भगा रही हो और इस तरह से गंजी क्यों हो गई? और क्या, सासू माँ ने मुझे झूठ कहा कि वो मेरा बाल काट के हेयर स्टाइल करना चाहती है और फिर उन्होंने मुझे टकला कर दिया। ए भगवान, अच्छा हुआ कि उसने मेरे ऊपर प्रयोग नहीं किया, बड़ी धोखेबाज है। इस तरह से वो उसकी सासू माँ के बारे में कहता है। ये सुनकर अनामिका को बहुत गुस्सा आ जाता है। एक तो तुम दोनों महिलाओं के बीच में लड़ाई करवाते हो और ऊपर से बुरा भला कह रहे हो, हमें तो तुम्हें टकला कर देना चाहिए। तब तक सासू माँ वहाँ पर आकर पहुँचती है। बहू रानी कहती है, आइए सासू माँ, हम मिलके इसे टकला बनाते हैं। ये सुनकर सासू माँ गुस्से से कहती है, पहले जो हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था वो काफी नहीं था। इस तरह से कहकर सासू माँ उसको टकला कर देती है। ये कैसी लड़ाई है, ये दो सास बहू लड़ रहे थे, मैं इस बीच में आ गया और ये मुझे टकला कर दिए। दो महिला जब लड़े तो कभी बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो ऐसी ही मुसीबत होती है। विनय सोचने लगता है। फिर अनामिका सासू माँ के तरफ देखकर कहने लगती है, सासू माँ मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। ये कहकर अनामिका फिर सासू माँ को भगाने लगती है। भगवान, लगता है ये मुझे नहीं छोड़ेगी। ऐसा कहकर सासू माँ अनामिका को देखकर फिर भागने लगती।